जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने घर से 5 चीजों को तत्काल हटा देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी समृद्धि में, आपकी प्रगति में सहायक होती हैं, तो वहीं हमारे आसपास कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं दे पाते और वो हमारी अवनति के लिए, हमारे दुर्भाग्य के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम और कारण बन जाती हैं। तो आइए बहुत कम समय में जानते हैं कि वो 5 चीजें क्या हैं। सबसे पहले घर का कबाड़, जो चीजें प्रयोग में ना हो, टूटी फूटी चीजें, वो कुछ भी हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, रद्दी कपड़े हो सकते हैं, पुराने कपड़े हो सकते हैं, छोटे हुए कपड़े हो सकते हैं, पुराने जूते हो सकते हैं, फटे जूते हो सकते हैं, फुटवेयर्स कुछ ऐसे जो आपके यूज में ना आ रहे हों, तो ऐसी चीजों को आपको अपने घरों से बाहर कर देना चाहिए। इसमें रद्दी अखबार, किचन के टूटे फूटे बर्तन इत्यादि भी, ये सब दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो दिवाली पर परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग घर से दरिद्रता को भगाते थे, तो दरिद्रता को भगाने के लिए फटे कपड़े पहन के, फटी चीजें, पुरानी टूटी फूटी चीजें लेके, पुराने सूप को लेके बजाते हुए घर से निकलते थे। उस ध्वनि से दरिद्रता घर से बाहर भागती है और सबसे ज्यादा उन्हीं जगहों पे करते थे जहां पर नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, खासतौर पर स्टोर जैसी जगह जहां आप चीजें डंप कर दिया करते हैं, जो यूज में नहीं है उसे वहां पे डाल के छोड़ देते हैं, ऐसी जगहों पे ज्यादा करते थे। तो इस तरीके के शोर से ना जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी वहां रुक गई है, वो जो है क्लीन हो जाती है। इसका साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक कारण यही है। तो इस तरीके से आप घर की जितनी भी रद्दी चीजें, उनसे मोह मत लगाइए, उनको आप हटा दीजिए। दूसरा है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला लगना दुर्भाग्य का सूचक होता है, ये समझ लीजिए। अगर आपको घर में बार बार और बहुत जल्दी जल्दी मकड़ी का जाला लगता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य दस्तक देने वाला है। और जितनी जल्दी मकड़ी का जाला लगे उससे दुगनी गति में आपको उसे साफ करते रहना चाहिए। अगर मकड़ी हार नहीं मानती जाला बुनने में, तो आपको भी हार नहीं मानना उसे साफ करने में। उसको लगने मत दीजिए, ये मत सोचिए यार कल कर दूंगा, यार इस संडे को करूंगा, इस वीकेंड में करूंगा। ऐसे करने से वो और लिंगर ऑन होता जाएगा और उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके परिवार पर, आप लोगों के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो जहां दिखाई दे तुरंत साफ करिए। सैटरडे का दिन इस मामले में बहुत शुभ होता है मकड़ी का जाला और घर की साफ सफाई के लिए। शनिवार का दिन बहुत शुभ है, इससे राहु केतु शनि तीनों की कृपा आपको मिलती है। इसके बाद बात आती है घर में कहीं भी टूट फूट अगर दिखाई दे, घर में आपको कहीं कोई क्रैक दिखाई देता है, कहीं कुछ टूट फूट हो गई है, फर्नीचर टूट गया है, उसको रिपेयर कराना है, जो चीजें आप रिपेयर करा करके यूज कर सकते हो, दीवार का कहीं प्लास्टर झड़ रहा है, कहीं से पेंट उतर रहा है, जो चीजें आप तुरंत करा सकते हैं वो आपको तुरंत कराना चाहिए। टूटा फूटा घर होगा, कहीं से प्लास्टर टूट रहा है, कहीं से फर्नीचर टूट रहा है, और इन चीजों को अगर आप उसी स्थिति में यूज करते रहेंगे तो वो आपके दुर्भाग्य को और मजबूत करता चला जाएगा। दुर्भाग्य को आमंत्रण देना है, किसी बड़ी दुर्घटना को इनवाइट करना, उसको मौका देना है कि दुर्घटना घटे तब फिर हम उसके लिए रिएक्ट करें, तो ऐसा होने ही क्यों देना है।
इसके बाद खराब और बंद पड़ी हुई मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी हो, वो फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, आरओ हो, आपका टेप रिकॉर्डर हो, कंप्यूटर हो, घर के या किचन की अप्लाइंसेस हो, वो माइक्रोवेव, कुछ भी अगर खराब पड़ा है, ठीक नहीं हो सकता, वो भले करोड़ों रुपए की चीज हो, आपको उठा करके उसको दान दे देना चाहिए। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं। दिल्ली में एक सिनेमा हॉल में आग लगी थी, बहुत सारे लोग उसमें जिंदा जल गए थे। आपको मालूम है वो कैसे हुआ था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बेसमेंट में जनरेटर रखा हुआ था और एक साथ दो जनरेटर रखा हुआ था। उन्होंने बैकअप की, बिजली के बैकअप की व्यवस्था बेसमेंट में की थी। एक जनरेटर चल रहा था और एक जनरेटर खराब पड़ा था, तो वहां प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव का सर्किट कंप्लीट हुआ। जो जनरेटर चल रहा था वो पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था और जो जनरेटर बंद पड़ा था उसने नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस किया, तो उसके चलते रिएक्शन हुआ और उसके चलते शॉर्ट सर्किट हुआ। ये वास्तु की अपनी रिसर्च में निकल के आया था कि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो इसलिए भी कहते हैं कि खराब मशीनें घर में मत रखिए, वो आपके दुर्भाग्य को और प्रबल करेगा, आपके दुर्भाग्य को वो इनवाइट करेगा, उसको निमंत्रण देगा, तो इन चीजों से बचिए। घर में बंद पड़ी घड़ी, घर में बंद पड़ी घड़ी या खराब पड़ी वॉल क्लॉक जो है या रिस्ट वॉच जो है, वो दुर्भाग्य का सूचक होती है। घड़ी क्या बताती है? घड़ी समय बताती है। अगर बंद हो, खराब हो, तो वो खराब समय का सूचक है। तो खराब समय कौन चाहेगा कि उसके जीवन में आए? तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी घड़ियों को भी समय समय पर ठीक कराते रहना, अगर वो खराब है, और अगर बंद पड़ी है तो बैटरी डाल के उसको चलाते रहिए, उसको बंद मत रखने दीजिए। चलती का नाम जिंदगी है, चलती रहेगी तो आप भी चलते रहेंगे। तो इस तरीके से ये पांच सुझाव अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और दारिद्र, कष्ट, समस्या, बाधा जो है वो नहीं आएगी। बाकी अगर कुछ समस्या आती है तो महादेव से प्रार्थना है आपका कल्याण करें। आप सभी मित्रों को उम्मीद है कि ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। आपके रिस्पांस तो हमें बहुत ओवरवेलमिंग मिल रहे हैं। आपके इन रिस्पांस के कारण ही हमारा मनोबल बहुत बढ़ा है कि हम आपके लिए हर बार कुछ नई नई चीज़ें लेकर के आते रहें। आप सभी मित्रों से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।